जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपको दिखा दूं कि यहाँ पर डंपर्स जो हैं बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। इलाके की इस वक्त सफाई जो है वो जारी है और टीम टॉप स्टोरी इस सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही है LWMC के साथ। हमें ज्वाइन किया है चौधरी असगर साहब ने, जो कि चेयरमैन है LWMC के और नई तैनाती है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं चौधरी असगर साहब का, क्योंकि अभी इन्होंने बागडोर संभाली है अपने इदारे की, तो हमारे साथ भी पहला इंटरव्यू है। सर खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसा चैलेंज है LWMC का चेयरमैन होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप माशाल्लाह लाहौर में इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी चैलेंजिंग सीट है। और ये जो लाहौर में हालात हैं इस वक्त, पिछले 6 रोज़ अल फराक वालों ने हड़ताल की थी और ये सब कुछ पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है, तो अल्लाह के फजल व करम से अब हम आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपको इसमें वाज़ह तब्दीली नजर आएगी। आपने कह तो दिया कि पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है, जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए कैसे। जितने पैसे हमने तुर्किश कंपनियों को दिए हैं, अगर ये हम अपने सेटअप पर लगाते तो हमारा बहुत बड़ा सेटअप खड़ा हो सकता था, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो अब क्या ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। सर मैं गवर्नमेंट का वर्जन लेना चाह रही हूँ यहाँ पे। मैंने जमील खावर साहब से भी बहुत सारी बात की थी, इस वजह से आपसे भी हम लोगों ने आज इंटरव्यू ली है। जमील साहब से हम गुज़िश्ता 2 से 3 प्रोग्राम में हम इनसे इन टच हैं। मुझे गवर्नमेंट लेवल पर मसला क्या है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये चाह रही है कि जो तुर्की कंपनियाँ हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म होने वाले हैं, उनको साइड लाइन करके हम अपना कोई इस तरह का निज़ाम लेकर आए, लेकिन इसमें शहर लाहौर का जो नुकसान हो रहा है आपके पास प्लान भी नहीं? देखिए जी, बात यह है कि अभी मैं आज पहले दिन आया हूँ, मैं नोट्स लेकर इनसे इंशाल्लाह CM साहब से भी, अपने राजा बशारत साहब से और PM साहब से पूरी हम डिस्कशन करेंगे और बड़ा इसमें हम जामिया प्रोग्राम बनाएंगे, हम लाहौर शहर को तंग नहीं करेंगे। क्या अब्दुल अलीम खान, एक सवाल, क्या अब्दुल अलीम खान साहब के जाने से ये तमाम तर डिस्टर्बेंस हुई है? क्या राजा बशारत साहब दो वजारतों का कलमदान रखते हुए क्या एक पे भी प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि राजा बशारत साहब बड़े डिसेंट पॉलिटिशियन हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो वो पूरी तवज्जो दे रहे हैं इसमें और आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में आपको वाज़ह यहाँ पर तब्दीली नजर आएगी। लेकिन देखिए अजय साहब, लाहौर शहर के पास एक टाइटल था साफ सुथरा शहर होने का, वो एक जो पड़ रहे एक जो है ना खतरे में पड़ गया है ये टाइटल जो है। आप हमें कुछ दिनों का टाइम दें, फिर आप देखेंगे कितनी बड़ी तब्दीली आती है। अच्छा। इंशाल्लाह लाहौर शहर आपको बिल्कुल क्लीन नजर आएगा। चोई साहब से एक बात करना चाहूँगा। चोई साहब, आप भी माशाल्लाह आपने पीछे इलेक्शन भी लड़ा है और आप करीम पार्क के रहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा इलाका आपके सामने है। आप ये छोड़ दें कि आप चेयरमैन हैं, आप ये छोड़ दें कि आप तरीके इंसाफ के हैं, आप मुझे बताएं आप एज अ शहरी इस सफाई से मुतमिन है? मुतमिन नहीं है ना। मुझे बताएं कि इस सफाई से हम मुतमिन नहीं है, आपके LWMC वाले खुद भी मुतमिन इसलिए नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है तुर्क कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, ये क्यों हो रहा है इस तरह से? यही चीज जो है महकमा फाइनेंस को समझने की जरूरत है, इसीलिए आपको चेयरमैन लगाया गया है कि असल में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका यहाँ तो ऐसा MOU साइन करें कि हड़ताल जब भी हो शहरी परेशान ना हो, शहरी तजब्जुब का शिकार है। मैं फोन करूंगा, आप फोन करेंगे, आपका घर साफ हो जाएगा, मेरा घर साफ हो जाएगा, जो 1 करोड़ 12 लाख बात है वो कहाँ पे जाएगी? उनके घर तो यही साफ करने जाएंगे, उनके लिए मशीनरी तो नहीं जाएगी ना उनके मोहल्ले में। मकसद ये कहने का है शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, आप पोश इलाकों में भी चले जाएं, सफाई आपको कहीं कहीं नजर आएगी। वो इस वजह से कि जो अंदर वाले इलाके हैं उन पे ये 6 दिन की जो हड़ताल है वो भारी पड़ गई है और इस वक्त की जो सूरत हाल अगर मजमू तौर पर देखी जाए। पूछ लेते हैं ये कि तनख्वाहों का प्लान और जो तरतीब है वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि नया महीना भी आ गया है, 4 तारीख भी आई, 10 तारीख को आपने अब देनी है सैलरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया गया, मेरा आज पहला दिन है, मैं अभी नोट्स ले रहा हूँ, लेकिन जो आज मैंने मेरी डिस्कस हुई है वहाँ पर, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टर्किश कंपनी के साथ उसमें बड़ी बेजाबतगियाँ हैं और ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि जिस तरह लफ्जों में ये बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसमें इंशाल्लाह वाजिया चेंजिंग लेके आएंगे और आप देखेंगे लाहौर आपका और मेरा अपना शहर है, हम लाहौर के बासी हैं, हमारी तो सब कुछ है ही लाहौर में, तो इंशाल्लाह लाहौर आप। साहब कोई ब्रीफिंग हो चुकी कि LWMC का बजट कितना है, कितना डेवलपमेंटल बजट है, कितना नॉन डेवलपमेंटल है, किस तरह से हम लोगों ने तरसील करनी है, किस तरह से काम करना है, कुछ ओरिएंटेशन हो चुकी है आपकी महकमे के साथ? कल से शुरू होगी इंशाल्लाह, 2-3 दिन में सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम एक जामिया प्रोग्राम इस पे बनाएंगे। तो अब ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो आपकी नॉलेज में है? मैंने आपको बताया ना कि कल से ये ब्रीफिंग देंगे मुझे,
दो तीन दिन में इंशाल्लाह हम सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। इसके दरमियान जो शहर लाहौर को मुतमईन कैसे करेंगे, उनको पैगाम क्या देंगे फिर? शहर लाहौर को मेरा पैगाम ये है कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें पीटीआई का कोई कसूर नहीं है। टर्किश कंपनियों के साथ मुआहदे पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं और वो मुआहदे जो हैं वो बदनीति पर मबनी है। उसमें सारा टर्किश कंपनियों का मफाद मद्देनजर रखा गया है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपना कोई मफाद मद्देनजर नहीं रखा। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले एक डेढ़ माह में हम इसका वाजिया तौर पर अजाला करेंगे। जो टर्किश कंपनियों को हायर किया गया था वो महंगी थी, सस्ती थी, लेकिन शहर लाहौर को थोड़ा सा उसका फायदा ये था कि सफाई हो जाया करती थी। अब शहर लाहौर जो है वो परेशान है, तो फिर इसमें आपको प्लान बी देना चाहिए या तो कोई भी, या फिर ऐसा करना चाहिए कि टर्किश कंपनियां बीच में से रहें या ना रहें लेकिन अवाम को अजियत ना हो। आप सिर्फ 8-10 दिन दें, एक तो आपको लाहौर शहर पूरा साफ नजर आएगा इंशाल्लाह, और आपके साथ बैठकर तफसीली में डिस्कस। 8-10 दिन? 8-10 दिन, सिर्फ 8-10 दिन। 8-10 दिन की बात कर रहे हैं? आज क्या दिन है, आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख। 4 तारीख हो गई है, 4 मार्च 15 को आपसे 15 मार्च का वादा कर रहे हैं मदिया साहब, 15 मार्च को हम बुक कर लें कह रहे हैं। बहुत साफ नजर आएगा जी इंशाल्लाह आपको, अल्लाह के फजल। क्या क्या प्लान होगा, क्या करें? ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 तारीख तक। क्या क्या करने का प्लान है, क्या मतलब कोई कुछ थोड़ा सा हमें बता दी। देखिए लाहौर शहर में वाकई बहुत ज्यादा गंदा है इस वक्त। आप जनूबी साइड पे चले जाएं, शुमाली लाहौर में चले जाएं, शादरा चले जाएं, क्रीम पार्क चले जाएं, अंदरून शहर चले जाएं, हर तरफ ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम 15 मार्च तक ये तमाम गंद क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर आपसे बैठ के डिस्कस होगा। अच्छा मेरी एक बात सुने सर, अगर फर्ज करते हैं वैसे होना चाहिए, मैंने बिल्कुल मेरी हमदर्दियाँ भी और हमारी पूरी मैन पावर आपके साथ है, अगर ना हुआ तो आप क्या करेंगे? फिर हम इसे सख्त नोटिस लेंगे, हम जुम्मेदारान को सजा देंगे। ये नहीं है आप है सर, जुम्मेदार तो आप है, मैं तो आ जाए जुम्मेदार, आपने खुद ही कहा 10 दिन में जुम्मेदार तो सर आप हुए। फिर मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँ, आप सर, मैं डिजाइन कर दूँ? मेरे मुताबिक जितने भी आपके ऊपर, मैं तो कहूंगा जितने भी लोग हैं चुप करके बैठे हुए हैं, सारे शहरी परेशान है, बाहर कोई निकल ही नहीं रहा, सबको इस्तीफा देना चाहिए, मुस्ताफी हो, क्योंकि जब तक शहर आप वोट लेकर मैंडेट लेकर क्यों आए हैं? मेयर लाहौर को ठिकाने लगाया हुआ है जिनके पास पूरा मैंडेट है, 300 जो 19 का हाउस है उनके पास है, ना दें उनको हथियार। मगर आप भी तो आपकी गवर्नमेंट में भी तो काम करें ना। बुजार साहब ने आपको लगाया, आपने कहा जी मैं 10 दिन में पूरा शहर साफ कर दूंगा। मैंने आपसे पूछा कि अगर ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, आपने कहा जी मैं एक्शन लूंगा, जिम्मेदार तो आप हैं सर। देखें भाई 11 दिन मैंने आपसे 10-11 दिन मांगे हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारा पिछली गवर्नमेंट का किया तरह है, और ये जो हड़ताल भी है ये सियासी हड़ताल है, इसमें नून लीग मुलव्वस है इस हड़ताल में, ठीक है कि नहीं? ये मैं बातें अभी आपसे नहीं करना चाहता था, ये मैंने आपसे अगली मीटिंग में करनी थी प्रूफ के साथ। चेक बाउंस होने में नून लीग का क्या किरदार है? किसमें? जो दो दफा चेक बाउंस हुआ है उसमें नून लीग का क्या किरदार है? वो पेमेंट ही गलत भरी हुई है, वो चेक ही गलत बना था, ठीक है कि नहीं? सर नून लीग कैसे मुलव्वस हुई? तुम्हें साल तो इसलिए है ना क्योंकि चेक बाउंस हुआ, तनख्वाह ही नहीं मिली, तो इसमें नून लीग कैसे मुलव्वस हुई? देखिए ये सारे ठेके नून लीग ने किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? वो सर साहब पूछने का मतलब ये है कि जो चेक जो है वो बाउंस हुआ है उसमें नून लीग मुलव्वस कैसे है? लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा उसका नून लीग कैसे मुलव्वस हुई? इसमें पहले इस तरह था कि जब तनख्वाह लेट होती थी ये कंपनी अपने पास से भी तनख्वाह दे देती थी, ठीक है? इसने पीटीआई की गवर्नमेंट को खराब करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। दूसरी बात आप कहते हैं कि जुलाई में आपको मैंडेट मिला, जुलाई में हमें मैंडेट मिला, लेकिन जो गवर्नमेंटों ने मुआवजे किए होते हैं वो खत्म नहीं किए जाते, ठीक है? अब ये मुआवजा खत्म होगा, जो नया मुआवजा होगा आप देखेंगे उसमें कितनी शफाफियत होगी और लाहौर शहर का कितना हम फायदा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर बात फिर हम 15 मार्च तक आपका वेट करेंगे कि 15 मार्च को हम दोबारा आपसे चलेंगे शहर लाहौर में कि आपसे पूछेंगे जी बताएं, ठीक है जी? बिल्कुल जी मदीहा। चलिए अच्छा ये अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोग्राम का, अजगर साहब ये बता दीजिए कि जो LWMC है उसको चलाने का मिशन आप किस तरह से लेकर चलेंगे, क्योंकि तुर्क कंपनियां आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर चुके हैं बहुत महंगी पड़ती हैं, और इसको जो नवाजा गया था नून लीग के दौरे हुकूमत में नवाजा गया था, आप अब क्या करेंगे, कौन सी कंपनियां होंगी, आप खुद से जो सफाई का निज़ाम है मशीनरी है प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या प्लान क्या है? मैंने आपसे पहले कहा कि कल से मुझे ब्रीफिंग मिलेगी इसकी, दो तीन दिन में नोट्स बना के मैं राजा बशारत साहब से, CM साहब से और PM साहब से बैठ के पूरी डिस्कस करके आपको पूरा हम प्लान देंगे। LWMC के भी प्लान PM से डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा वो हमारे हेड है, वो हर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और लाहौर शहर को वो बिल्कुल साफ सुथरा देखना चाहते हैं,
इमरान खान ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि उसे कोई मिल ही नहीं सकता। अच्छा, वो हमारे चाहते हैं बुज़ार साहब नहीं देखना चाहते, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। बुज़ार 8 दिन हो गए हैं, बुज़ार साहब शहर की सड़कों में भी नहीं आए, और राजा बशारा साहब 1 दिन आए हैं, शादमान से होकर वापस चले गए हैं। वज़ीरे बल्दियात हैं सर, कोई ना कोई तो बाहर निकले, कोई लाहौर का फादर बने बाहर तो निकले। देखें कोई बंदा बाहर निकलेगा तो ये इन लोगों में पावर पड़ेगी ना, इन लोगों को हम कितनी देर। तासुर जो है वो ये जा रहा है कि इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर या फिर वो करना चाहते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। मतलब आप LWMC के चेयरपर्सन हैं, जो राजा बशारत साहब हैं उनके पास 2 कलमदान हैं, वो चाहें तो बल्दियात का कलमदान उसको होते हुए यानी उसको यूटिलाइज करते हुए सड़कों पर भी निकल सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब CM पंजाब हैं, पुराने CM पंजाब लॉन्गवुड पहन के बारिश के पानी में निकल आते थे। खुद से इनिशिएटिव लें, बाहर निकलें, लोगों में आए, क्योंकि लोगों ने उनको दिया है, वोट दिया है। लेकिन ये चीज़ें CM प्राइम मिनिस्टर के ग्रीन सिग्नल के देने के बाद ही इनिशिएटिव लिया जाता है। आप लोगों में पावर नहीं है क्या, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या फिर इमरान खान साहब नहीं देना चाहते आपको, आप लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर? इमरान खान साहब ने CM साहब को फुली इख्तियार दिए हैं और वो इंडिपेंडेंट है, बल्कि मैं समझता हूँ पिछली गवर्नमेंटों में कैसे इंडिपेंडेंट है। बुज़दार साहब हमें नहीं नजर आते कहीं पे भी, फ्रंट फुट के ऊपर जो खेलता है ना इंसान, फ्रंट फुट के ऊपर वो वसीम अकरम कहा है उनका, फ्रंट फुट पे जो इंसान खेलता है वो नजर आना चाहिए कि कैसे वो डिसीजन लेता है, कैसे एक लीडर बनता है। आज मेरा पहला दिन था LWMC में, जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो उसी वक्त मुझे CM हाउस से पिक्चर्स भेजी गई जो मेरे मोबाइल में, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा जी लाहौर शहर जिम्मेदारी है, मुझे इसकी बहुत फिक्र है, इसे फौरी साफ करें। इसलिए मैं अभी वहाँ गया था 8 क्लब, लेकिन आपने फ़ोन किया मैं यहाँ आ गया हूँ। बुज़दार साहब को पूरा इसका इलम है कि लाहौर में क्या है, और वो इसके मुतलक बड़े कीन हैं, तो ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और वो फुली इंडिपेंडेंट CM है। अजय साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे हमें ज्वाइन करने के लिए, साथ ही साथ आपकी टीम मलिक साहब का भी, हावर जमील साहब का भी, इमरान मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन अभी 10 दिन जो है वो असगर साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन दे दीजिए, हम शहर लाहौर को बहुत ज़्यादा साफ कर देंगे। हमने उनसे बहुत तल्ख सवाल भी पूछे हैं, हमने ये भी पूछा कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर कोई पत्ता क्यों नहीं ला सकता, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर क्यों नहीं है, हमें CM पंजाब उस्मान बुज़दार सड़कों पर नजर क्यों नहीं आते हैं, और राजा बशारत साहब जिन्होंने कलमदान संभाला है वज़ीर बल्दियात का, वो हमें सड़कों पर नजर क्यों नहीं आते हैं, और शहर लाहौर के पास एक टाइटल था वो क्यों छीन लिया जा रहा है शहर लाहौर से, वो शहर लाहौर जिसकी मिसाल कराची तक दी जाती थी, जिसकी सफाई की मिसाल कराची तक दी जाती थी, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया था, वो प्रेसिडेंट अब क्यों बिगाड़ का शिकार हो रहा है। ये तमाम तर बातें हमने कर ली हैं और हमने अपना मिशन भी पूरा कर लिया है। टॉप स्टोरी ने तब तब आवाज उठाई जब जब हमें कूड़ा नजर आया, और आज शहर लाहौर कदरे अच्छा नजर आ रहा है, सफाई मुहिम जो है वो तेज हो गई है। अगर आपके इलाके में सफाई मुहिम शुरू नहीं हुई है तो 1139 पे कॉल करिए, अगर वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।